Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Hope आप सब अच्छे होंगे and मैं भी अच्छी हूँ. I am making vlog like ages. 2 महीने हो गए मेरे last vlog upload किए हुए. तो मैंने सोचा इतना request आ रहा है दी vlog बनाओ तो मैंने सोचा चलो vlog बना लेते. बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, मेरा आलस जा ही नहीं रहा है. Like मैं vlog videos बना तो लेती हूँ, उसके बाद edit करने का मन नहीं करता तो उसके बाद delay होता चला जाता है. तो हाँ, अभी एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, बट मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया पता नहीं क्या सोच के. और हाँ, आपको चेंजेस लग रहा होगा. देखो, मैं घर गई थी, ये जाके लेके आई हूँ. मेला गई थी ना मैं जब दिवाली वाला, तो और बेड पूरा ऐसा बिखरा पड़ा है. अभी मैं ये पहन के गई थी लाने. मैंने ना सुबह उठी, मैं मेरे को लगा ना थोड़ा नॉनवेज बनाते हैं, चिकन बनाते हैं आज, क्योंकि आज है मेरा ब्लैंक डे जो कि मेंटेन हो गया. परसों भी मेरा ऑफ था, कल दो सेक्टर था केवल गोवा बैग जो कि एक्सेस टायरिंग था. उसके बाद फिर आज मेरा ब्लैंक था. मेरे को लग रहा था कि चेंज कर देंगे और मेरा बहुत कम आवर्स बन रहा है और एकदम मिनिमम पे मिल रहा है मेरे को 3-4 महीनों से. तो मेरे को लगा था कि इस बार मतलब कल आज जो है पुल आउट करेगा, बट नहीं किया. आज मेरा ब्लैंक मेंटेन हो गया. तो मैं सुबह उठ के गई, चिकन लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ. तो इसको मैं धो के रखी हूँ. अभी प्याज वगैरह जाके जा रही हूँ काटने. ये 700 ग्राम मैं लेके आई हूँ ये सोच के कि कल भी मेरा ऑफ है तो कल भी पूरा दिन खाऊंगी. बट अब मेरे को लग रहा है ज्यादा ही लेंगे. मेरे को धो रहे थे ना तभी मेरे को उल्टी उल्टी सा लगने लगा. वैसे मैं लेके उसको 2 बजे ही आई हूँ बट 3:30 हो गया और अब तक मैं टाइम पास कर रही हूँ बिकॉज उसके सामने रहने का ही मन नहीं कर रहा था मेरे को. तो वैसे तो मम्मी बना के देती है बट और लास्ट टाइम भी बनाए थे तो भाई था. अभी तो ऐसा सा हो रहा है ना. और अभी मेरा ब्लिंकिट से सामान आने वाला है इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको सामान भी दिखा दिया जाए. अभी तब तक मैं बैठ के प्याज कट कर लेती हूँ, जितना भी सब कुछ डालने वाला चीज है वो सब थोड़ा बहुत करती हूँ. ये देखो मेरे सामान आ गया. एक मैंने कुरकुरे मंगाया है और ये धनिया पत्ता. ये मैंने नया शैम्पू मंगाया है बिकॉज मेरा पुराना वाला खत्म हो गया है. मैंने अभी मंगाया है एसेंशियल ऑयल बिकॉज अभी मेरा इतना ज़्यादा बाल झड़ रहा है ना. तो मैं कुछ ये मैंने इसके बारे में देखा बहुत, उसके बाद मैंने ये मंगाया. अगर रिजल्ट आता है तो मैं आपको ये बताऊंगी. सिंपल का फेस वॉश, सेटाफिल मॉइस्चराइजर फेस, हाँ यही सब है. और एक घी, लिपस्टिक. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस लिपस्टिक. तो ये मैंने कौन सा कंपनी है, बायोटिक का लिपस्टिक मंगाया है. ये एक्चुअली उसमें थोड़ा मरूनिश टाइप का दिख रहा था बट आया तो ये है, ये पिंकिश है. ओ यार, तो गलत है. तो पिंकिश है ये बट ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है. गाइज ये लिपस्टिक ना बोरोलिन जैसा स्मेल कर रहा है. प्याज मैंने डाल दिया है, अब इसको प्याज को अच्छे से भून लूंगी और इस बार मैं दूसरे स्टाइल से चिकन बना रही हूँ. और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिया. अब जला रही हूँ मसाला पीसने, इतना सारा मिर्च ले लिया है. ठीक है भाई, ये अभी नया रेसिपी सीखा है मम्मी से कि मसाला मम्मी पीस के साइड कर देती है, उसके बाद इसको अच्छे से तेल में भूनती है थोड़े देर ताकि चिकन जो है वो अलग से पक सके अच्छे से. मैंने मसाला वगैरह सब कुछ डाल दिया चिकन में, अब इसको ढक के छोड़ देते हैं. अभी गैस तेज है क्योंकि अभी मैंने मसाला डाला था, थोड़ा सा सीज जाएगा उसके बाद गैस कम कर दूंगी. भाई साहब, इस बार चिकन बनाने में 2 बजे लेके आ गई थी मैं, 3:30 में बनाने गई, अभी 5 बज रहा है, 5 बजे तक बना ही रही हूँ यार. इधर धीरे धीरे काम चलता मेरा. ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और मेरे को बाल धो के नहाना था बट ठंड आ गई है तो बहुत ठंडा लग रहा है तो मैं अभी नहीं जाऊंगी नहाने बिकॉज मेरे को बहुत जल्दी ठंडा मारता है. मैं छठ और दिवाली के समय इतना ज्यादा मेरे को फीवर था ना भाई, ठंडा मार दिया था मेरे को. नहा के आई मैं, एसी चालू छोड़ दिया था मैंने. और एसी देखो ये खुला हुआ है, इसका रिमोट देखो ना चालू है, अगर आप में से किसी को पता हो चालू है रिमोट ठीक है, लेकिन पावर ऑन और ऑफ का बटन ही काम नहीं कर रहा है. बाद में गई थी ना मेला में, मेला से मैंने ये वाला हेयर बैंड भी लिया. हाँ अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा फोन देखती हूँ, यूट्यूब वगैरह देखूंगी या बिग बॉस देखूंगी. कल का मैंने बिग बॉस नहीं देखा है तो हाँ बन जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ. अभी मैं इस डब्बे को रखने जा रही थी, मैंने सोचा देख लूँ कितना आया है. इतना छोटा सा बॉटल है ये, मेरे को कितना बहुत दामी पड़ा यार, 350 समथिंग, 450 का पड़ा था, 450 रुपया. देखना
और इतना छोटा सा बॉटल काम नहीं किया ना, इसी से अपना सिर फोड़ लूंगी मैं। ये देखिए मेरा चिकन बन गया और शायद से मैंने बहुत ज्यादा हल्दी डाल दिया है तो थोड़ा काला सा हो गया, मतलब लाल बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं जा रही हूँ, खीरा है मेरे पास जो मैं घर से आई थी एक हफ्ते पहले, तभी लेके आई थी, पता नहीं इसका क्या हाल हुआ होगा। तो खीरा काटूंगी और चावल, चिकन और खीरा खाऊंगी। बाल बांध लिया है, चलो खाने चलते हैं। और जो मेरा खीरा था वो खराब निकला, क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि एक हफ्ते पहले मैं लेके आई हूँ घर से। रात हो गई है, रात के बज रहे हैं 10, अभी मैं तब से बिग बॉस और ये सब चीजें देख रही थी, अभी रात में मेरे को खाना खाने का मन कर नहीं रहा है। तो मैंने ये सोचा, मेरा आँख ना बहुत ज्यादा दुख रहा है और मेरे को लगता है राइट आई का जो है थोड़ा सा पावर जो है डाउन हो रहा है, रोशनी जा रहा है क्योंकि बहुत खुजली सा हो रहा है और वो सब। खैर वो सब छोड़ो, मैं ये जो सोल फ्लावर का तेल लेके आई हूँ 15 ml 450 रुपया का, थोड़ा सा अप्लाई करके देखती हूँ काम भी करता है कि नहीं। तो हाँ अभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा अप्लाई करने। वैसे अभी मैं फोन रख रही थी बट मैंने सोचा क्यों ना आपको भी लगा के दिखा ही देती हूँ जब मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ। तो बहुत कम लाइट आ रहा है, रुको मैं दूसरा लाइट अपना ऑन करती हूँ। ये दिल वाला तकिया लिया है इस बार, और ये दोनों तकिया लिया है इस बार मैंने। तो हाँ, मूविंग बैक टू द टॉपिक, ये है मेरा सोल फ्लावर का छोटा सा डब्बा, ये दिखेगा नहीं, फोकस हो नहीं रहा है जल्दी, और ये इसके साथ ट्यूब भी दिया हुआ है, लगा के देखते हैं। और मैं अभी तक शॉर्ट्स में ही घूम रही हूँ भैया, मेरा अभी तक ठंडा नहीं आया है, ठंड लग रही है बट उतना ज्यादा नहीं। जैसे देखो अभी मैं बाल खोला हुआ है तो मेरे को गर्मी लग रहा है बहुत, तो हाँ कभी कभी ठंडा लग रहा है, कभी कभी गर्म लग रहा है, वही शरद गर्म हो रहा है अभी। स्मेल देखते कैसा होता है, रोज मेरी जब मैं ऐसे पत्ता लगाती हूँ ना, इतना गंदा स्मेल करता है ना, पूरा घर लगता है कि वो जो अमिताभ बच्चन वाला सीन होता है ना वही, इसका भी वही हाल है, खराब दिया है, आंख में लग रहा है बहुत ज्यादा लगाने में, बहुत अजीब सा लग रहा है आंख में। अपनी मांग सुहागनो साथ हमेशा खुद का हो। तो गाइस मैंने अच्छे से तेल लगा लिया है और थोड़ा सा मैं मसाज कर लेती हूँ अब हेड में, देखना बहुत बाल झड़ रहा है यार मेरा बहुत। एक प्लास्टिक मैंने रखा था जिसमें मैं जब से आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा बाल डालती हूँ, उस वो पूरा प्लास्टिक मेरा भर चुका है, लिटरली पूरा भर गया है। अगर मैं आपको दिखाऊंगी आपका मूड खराब हो जाएगा वो बाल देख के। ऑफ कोर्स वो थोड़े से रोल रोल करके जो बचे हुए बाल होते हैं गिरा हुआ जानता, उतना कलेक्ट करने के बाद भी इतना ज्यादा रूम में बाल कलेक्ट हुआ हुआ है ना, जहां तहां गिरा हुआ है। और मेरे को क्या लगता है ना गाइस, मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ ना, एक बात है मेरे को बहुत ना डीमोटिवेटिंग लगता है कि जो मेरे बाद चैनल बना रहा है और वो उतना वीडियोस भी नहीं डाल रहा है, फिर भी उसके चैनल पे इतना ज़्यादा व्यूज़ कैसे और मेरे चैनल पे इतना कम व्यूज़ क्यों आता है। अभी तो मैं रेगुलर रह रही हूँ, शॉर्ट्स मैं डाल देती हूँ, जो अगर व्लॉग नहीं हो पाता है तो शॉर्ट्स डाल देती हूँ, और शॉर्ट्स भी बहुत अगर कभी मिस हुआ तो कुछ भी कोई एक वीडियो डाल दो। और बहुत लोगों का मैं देख रही हूँ, क्रू कहीं देखा था मैंने, और बहुत लोगों का भी देखा है मैंने, ऐसा नहीं कि केवल क्रू का बात कर रही हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की का वीडियो देखा था कि थोड़ा बहुत वो डाल रही थी, वो भी आई गेस हफ्ता हफ्ता डालती थी। मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, मैं हमेशा से ऐसी थी, अब मेरा जो है ना डीमोटिवेटिंग मैं फील करने लगी, मैं इतना ज्यादा डाल रही हूँ उसके बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। अभी मैंने देखा एक लड़की को वीडियो डाल रही है, मतलब विद इन 1 month उसका भी 60k है, विद इन 1 month, एक वीक में वो 2-3 वीडियो डालती है, ठीक है 2-3 शॉर्ट्स वो भी, और उसमें 60k हो गया। मेरे साथ ये अन्याय क्यों? डीमोटिवेटिंग फील नहीं करते, जब मिलना होगा तब जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा, छोड़ो। मैं तो सोची हूँ दूसरा चैनल बनाती हूँ, मेरे को लगता है मेरा जो अभी वाला चैनल है ना वो क्रू चैनल ही हो गया, मतलब उस पर क्रू वाला जो वीडियो डालो वही जाता है, एंड मैं वो नहीं चाहती हूँ कि क्रू वाला वीडियो डालू। तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरा एक चैनल बनाती हूँ, दूसरे चैनल पे मैं सब कुछ डालूंगी। अभी तो रात में मेरा जगराता होने वाला है, बिकॉज इतने जल्दी मैं सो नहीं रही हूँ आजकल, तो मेरे को लगता है निकल मैं 3:30 में सोई हूँ। देखना पहले ऐसा मेरा एक चोटी होता था यार, बाल देख देख देखो एक साथ पूरा लगता है, पूरा एकदम टकला से ही बाल निकल रहा है मेरा, नहीं
पूरे टकले से बाल निकल रहा है। और जब मैं घर में रहती हूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी फेस स्किन केयर करने का मन करता नहीं है, मेरा चोटी हो गया। और मेरे को आपको ये दिखाना था, आज मैंने मार्स का जो है लिप वो खरीदा है, लिप लाइनर। गाइस मुझे आपको एक चीज दिखाना है, ये देखो मेरे भाई ने भाई दूज में अपने पैसों से लिटरली पैसे सेव करके उसने ये अंगूठी गिफ्ट किया। मतलब इतना खुशी हो रहा था मेरे को बहुत दिन से ना ये चाहिए था सिल्वर का अंगूठी, बिकॉज मैं हमेशा आर्टिफिशियल वाला खरीदती थी 20-20 रुपए वाला, तो वो ना खराब हो जाता था जल्दी और वो टूट जाता था 5 दिन भी नहीं टिकता था। तो हाँ, थैंक यू सो मच।